मुंबई के मलाड़ में पत्रकार संघ द्वारा कजरी महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुंबई के पत्रकारों और नारी शक्ति का सम्मान भी किया गया। लोकगीत कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आयोजन में पधारे सभी लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर आए पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। श्रावण के महीने में कजरी का अपना एक अलग ही महत्व है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में श्रावण के महीने में कजरी गीतों की धूम रहती है। यूं तो कजरी विरह का गीत है, लेकिन विरह के बावजूद इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अभियान और पत्रकार परिषद द्वारा कजरी महोत्सव में जिस तरीके से कजरी की धुन तो सुनाई दी, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं जो कॉलेज की स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक ऐसी झांकी प्रस्तुत की, एक ऐसा नाट्य रूपांतरण यहाँ पर प्रस्तुत किया कि लोगों को मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसे में इन बच्चियाँ, तमाम बच्चियाँ जो हमारे साथ आज अपने गेटअप में आई हुई हैं, इन बच्चियों से ही हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनके जो नाट्य रूपांतरण इन्होंने आज यहाँ पर किया, क्या थीम थी और किससे प्रेरित होकर ये जो है इस तरह से आज कजरी महोत्सव में ये लोग आए और क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम निकिता तिवारी है। निकिता, जानना चाहेंगे आज जो तुम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा रोल प्ले किया, नाटक किया, वो क्या थीम थी इसकी? इसकी थीम ऐसा हमारे समाज के ऊपर थी। हमारे समाज ना नारियों को ना हमेशा नीचे दिखाना चाहता है। उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे मतलब बेटे होंगे वो हमारे कुल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर बेटियाँ नहीं होंगी तो हमारे मतलब तो हमारे हमारे रस्म रिवाज वो कैसे होंगे, क्योंकि जो सारे रस्म रिवाज ना बेटियों से मिले जुले हैं। ये चीज हम अपने एक छोटे से नाट्य द्वारा दिखा रहे थे। हमारा ये मकसद था कि हम ये नाटक द्वारा समाज को ये संदेश पहुँचाएं कि बेटा ही नहीं, बेटी भी हमारे हमारे लिए बहुत ही जरूरत है, बेटी की भी जरूरत। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रक्षा द्विवेदी। जानना चाहेंगे रक्षा, कि जिस तरीके से आज आप लोगों ने नाटक किया, इसका थीम क्या था? थीम ये था कि मतलब वो एक बेटी के ऊपर पूरा नाटक था कि बेटी कैसे कैसे संघर्ष करके बड़ी होती है, उसकी मतलब उसके ज़िंदगी में कितने कष्ट मतलब तकलीफ़ें होती है और वो तकलीफ़ों को झेल के वो आगे बढ़ती है, यही सब इस नाटक में बताया गया। नाटक में आपका किरदार क्या था? आप सर पे पगड़ी बांध के खड़े हो। मेरा किरदार पापा जी का था, जिसमें मुझे खाली उसका नाम बोलना था। क्या किरदार था, क्या रोल आपने अदा किया, कौन क्या बेटी को लेकर किस तरह का आपके मन में क्या कुछ सवाल है? मतलब मुझे है ना मतलब पैदा होते बेटी चाहिए थी, मुझे भी सिर्फ बेटियाँ चाहिए थी इस नाटक में। आप लोगों को नाटक के लिए इस तरह का जो थीम किसने बनाया, किससे आप लोगों ने सीखा? ये हमारे सर शरद जोशी जी ने बनाया है, उन्होंने उन्हीं से ही हम लोगों ने सब कुछ सीखा है।
वही हमें बताए हैं कि कैसे, और फिर हम यह परफॉर्मेंस करना चाहते हैं कि हम पुराने खयालातों को जो सब लोग भूल चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। और जो सब लोग चाहते हैं कि बेटी बेटी को सब कितना क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बेटी आगे बढ़े और बेटी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाब करे। और हर एक एक चीज़ बेटी से ही जुड़ी हुई है, अगर ज़िंदगी में बेटी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बेटी को बहुत ही सम्मानित किया जाए, बिल्कुल बेटी को बढ़ावा दिया जाए, बच्चियों को बढ़ावा दिया। आपसे जानना चाहेंगे कौन से क्लास में पढ़ते हो और क्या नाम है आपका? मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरा नाम काजल ठाकुर है। काजल, क्या कहना चाहोगी आज के इस माहौल में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, और आप लोग एक अच्छा रोल प्ले किए हो, क्या संदेश देना चाहते हो तमाम लोगों को, हमारे दर्शकों को? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ तमाम लोगों को कि जो बेटियाँ हैं उनके ऊपर अत्याचार करना बंद करें, और बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती है, इसके लिए उन्हें कभी कमजोर ना समझे, बस। बिल्कुल, बेटियों को कमजोर ना समझें। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बच्चियों ने को आपने एक अच्छा थीम दिया था, इस थीम का क्या ऐसा प्रेरणा क्या हुआ, क्योंकि कजरी महोत्सव में इस तरह से बच्चियों को थीम देना, इसका क्या थीम था? इसका मुख्य आधार यही था कि बेटियों की पैदाइशी पर हम सोहर गाएं, हम खुश हों, हम उनकी प्रगति में अपना विश्वास रखें। हमें बेटियां बहुत ही सुख देती हैं। बेटे आजकल नालायक निकल सकते हैं, किंतु बेटियां ससुराल जाने के बाद में भी घर बार का ध्यान देती हैं, और बेटियों के अलग अलग त्यौहार कितने खुशनुमा होते हैं, जिसे आपने इस नृत्य नाटिका में, जिसे बैले कह सकते हैं, देखा होगा। कॉन्सेप्ट तो हमें अमरजीत मिश्र जी ने दिया था, हमने ये नृत्य नाटिका लिख दिया। कोरियोग्राफर हमारी मैडम आरती दुबे जी थी, रूप सज्जा साथ सज्जा के लिए मैडम विश्वकर्मा थी। इन लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को तैयार किया, और यदि पब्लिक को ये बात समझ में आई होगी तो यही हमारी सफलता है। धन्यवाद मैडम से। मैडम, जानना चाहेंगे आपने जो है इस पूरे जो है नाट्य रूप को आपने पूरी तरीके से कोरियोग्राफर किया है, इन बच्चों को तैयार करने में कितना टाइम लगा? इन बच्चों को तैयार करने में 1 घंटा तो लगा, क्योंकि सब बच्चे। और सर, मैं इसके ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं, उसको लोग भूल गए हैं। जैसे कजरी है, पचैयाँ है, मोस्टली सब लोग गरबा मनाते हैं, ये गणेश उत्सव मनाते हैं, सब लोग अपना अपना मनाते हैं, लेकिन हम जो यूपी वाले हैं अपनी अच्छी परंपराओं को भूल चुके हैं। मैं इस नाटक के ज़रिए मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमको भी अपनी परंपराओं को लोगों को दिखाना चाहिए, जो लोग नहीं जानते। तो मेरी थीम क्या मानते हैं कि इस जो पूरे नाटक का आपका थीम था, क्या था, क्या संदेश हमारे समाज को देना चाहते हैं आप इस थीम के लिए? मैं अपने इस थीम तो बिटिया था, जैसे लड़की के ऊपर आधारित पूरा मतलब स्टोरी था। लड़की पैदा होती है तो घर में कितना रौनक होता है, इसके बाद वो लड़की बड़ी होती है, पचैयाँ मनाती है, फिर वो कजरी मनाती है, फिर उसके यहाँ बारात आती है, लड़की की वजह से घर में बारात आती है, और लड़की से ही लड़की पैदा होती है, क्योंकि अगर लड़की नहीं होगी तो फिर आगे मतलब जो जनरेशन भी नहीं होगा ना, लड़की से ही आगे की मतलब जनरेशन। तो मेरा ये बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, ऐसे में बच्चों ने जिस तरह से आज कजरी महोत्सव में शामिल होकर और एक नाट्य रूपांतरण करके समाज को एक संदेश देने की बात की, और जिस तरीके से बच्चियों ने कहा कि आज बेटी है तो घर में सभी जो है जो त्यौहार होते हैं वो बेटियों से ही शुरू होते हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया है यहाँ के बच्चों ने, हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र की राज्य मंत्री विद्या ठाकुर जी, उनसे जानते हैं कजरी महोत्सव, क्योंकि आप भी उत्तर भारत से बिलोंग करती हैं और उत्तर भारतीयों की जो संस्कृति होती है वो कजरी की, कितना किस तरह से खुशबू मानती हैं महाराष्ट्र में? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि मैं आपको अभियान संस्था जो है वो मुंबई में पिछले 15 वर्षों से कजरी के माध्यम से इस कार्यक्रम को करती है। खास करके ये महिलाओं का कार्यक्रम रहता है, इसमें महिलाएं व्रत भी रखती हैं, तीज का व्रत किया जाता है, और ये श्रावण के महीने में चलता है। पूरे श्रावण में गीत होते हैं, अच्छे अच्छे कजरी होती है, महिलाएं गाती हैं, रात को इकट्ठा होती है। लेकिन अब ये सब जो चीज़ें हैं धीरे धीरे बंद हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। गाँव जैसे में भी अब वहाँ पर नए जनरेशन आई है, नए लोगों को ये सब जो लोकगीत धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, इसके कारण अभियान संस्था का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खास करके अमरजीत मिश्र और उनकी पूरी टीम का, कि जो इस तरह का एक प्रयास वो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी जी, उनसे जानते हैं सर, सबसे पहले तो आज अगर हम बात करें तो अभियान और पत्रकार विकास संघ द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कजरी महोत्सव ये हमारे भारत देश की संस्कृति है और हर राज्य में बरसात के दिनों में और खास करके श्रावण महीने में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। मैं कर्नाटक का हूँ तो हमारे वहाँ पर भी यही सारा होता है। मूल कल्चर तो भारत का एक ही है, भिन्न भिन्न भाषा में उसको बांटा गया है और वो भाषा के लोग अपने कल्चर को, अपने जूनी रूढ़ी परंपरा है उसको कायम रखने के लिए ये प्रयास करते हैं। और मैं मानता हूँ कि मुंबई से ऐसे शहर में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बदले हुए युग में स्कूल में ये सब सिखाया नहीं जाएगा और घर में भी माता पिताओं को इतना। मुंबई शहर में कजरी का कार्यक्रम, एक साहित्यिक कार्यक्रम, इसको भी श्रद्धा लोग हमारे लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। आप देखिए इतना सुंदर सुंदर कार्यक्रम होता है, लोग कहते हैं गाँव के साथ बच्चों में हम लोग कभी सुना करते थे किसी के मुँह से सावन सीटी खेले कजरी दौरा पार्वती, पर बड़े होने के बाद आपको समझ में आया कि इसका महत्व कितना है ग्रामीण अंचलों के लिए। और यहाँ करके जो हम लोग पुनर्वर उसको जो जोड़ रहे हैं लोग, उस जुड़ाव का महत्व अभियान संस्था द्वारा ये विगत 15 वर्षों से कजरी महोत्सव हो रहा है और मुझे लगता है 7-8 साल से मैं जुड़ा हूँ इस संस्था से। पूरे मुंबई भर में 20 से 25 जगहों पर कजरी महोत्सव होता है और कजरी, पारंपरिक कजरी, नई कजरी, तमाम प्रकार की कजरियाँ हम लोग धुनों को लेके गाते हैं, जो हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, जो कभी नहीं कजरी यानी दूसरे कार्यक्रमों में नहीं जाती लेकिन कजरी महोत्सव में वो घर से निकलती हैं, जो कभी किसी कार्यक्रम में सहभागिता नहीं लेती। और इस महोत्सव में हम लोग गाते हैं बहुत पुरानी पुरानी कजरी, जैसे पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाए के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया वा छोटकी ननदी से पिसावा, हमरे हथवा में लगा द काटा कील से जाए के साइकिल से ना। अलग अलग विधा है गाने की। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, अरे सुन कैला बलमु हो, सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु हो, सुन कैला बलमु, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। हमारे यहाँ कजरी गाई जाती है। अरे दर दर सासु दिले नाथिया बलम दिले हरवा, अर कहाँ हो बेटी पायू रे झालर मोतिया। तो हमारे लोक धुन से ही फिल्म संगीत आया, शास्त्रीय संगीत आया, ये सब लोक से ही निकलता है। इस तरह के आयोजन से न सिर्फ लोक गीतों की शोहरत बढ़ती है बल्कि युवाओं को भी अपनी सांस्कृतिक झांकियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल और सदानंद सेट्टी के साथ अनिल सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।